मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। आप गौर से देखो इस बच्चे को, इस बच्चे से भक्ति के नाम पर बिजनेस कराया जा रहा है, और जब ये बिजनेस सक्सेसफुली चलने लगा तो इसके माता पिता सोच रहे होंगे काफी फैला हुआ बिजनेस है, बहुत अभी तो सभी कारोबार फोन पर ही चलता है। यस, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है, कहीं भी जाओ चोरी चकारी से कैमरा ऑन करो और वीडियो बना लो। इसके साथ इसके माता पिता ने ऐसा कांड किया है कि 10 रुपए की चिप्स खाने की उम्र में पूरी सोशल मीडिया की गाली खानी पड़ रही है। मूर्ख लड़का है वो, मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता है। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं सुनने के लिए। देख रहे हो उसका कमाल भाई, जिसकी पढ़ाई के नाम पर सिर्फ तुमने ये सुना होगा, आज भी स्कूल नहीं गया, आज भी स्कूल नहीं गया, वो शास्त्र पढ़ रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और तुम्हें पता है हमारे इन प्यारे बाबा जी के साथ अब क्या हुआ है? इन्हें लॉरेंस बिश्नोई ने मारने की धमकी दी है। आज 3:30-4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। दिस इज बिजनेस। क्या जमाना आ गया यार, छोटे छोटे बच्चे डायपर पहनकर प्रवचन दे रहे हैं, और जिनकी 1-2 साल में टिकट कटने वाली है वो इनके चरण छूकर इनके प्रवचन सुन रहे हैं। भाई साहब ये तो बिजनेस मॉडल बढ़ता ही जा रहा है, आने वाले 1-2 साल में अगर ऐसा ही चलता रहा ना, बहुत लोग पढ़ना लिखना छोड़कर इसी फील्ड में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्कोप बहुत ज्यादा है।